नमस्कार दोस्तों, तो आज हम ड्राइविंग एक्सपीरियंस करने वाले हैं इस गाड़ी का। और ये कौन सी गाड़ी है? ये है i20 टॉप मॉडल 2010 का मॉडल है ये। तो लगभग इस गाड़ी को 11 साल हो चुके हैं, तो 11 साल बाद इस गाड़ी को मैं चला के देखने वाला हूँ। इसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, जैसे कि इसका सस्पेंशन वगैरह हम चेंज करवा चुके हैं, इसके टायर भी कई बार चेंज हो चुके हैं, कई बार थोड़ी बार ठुकी भी है कि भाई जब इतना टाइम हो जाता है तो गाड़ी चलेगी तो ठुकेगी भी, नॉर्मल सी बात है। तो आज मैं इस गाड़ी को चलाने वाला हूँ। वैसे बेसिकली आपको पता ही होगा मैं चलाता हूँ इको स्पोर्ट, और इको स्पोर्ट चलाने के बाद मैं एक हैचबैक चलाऊँ। हैचबैक ऐसी बात मैंने नहीं चलाया, पहले चलाई है, स्विफ्ट वगैरह थी मेरे पर परमानेंट, मैं सब चीज़ें जो रह चुकी है मेरे पर लॉन्ग टर्म के लिए। नॉर्मल तो चलाती हैं, पर एक लॉन्ग टर्म में जब तुम चलाते तो गाड़ी का ज़्यादा अच्छे से पता चलता है। तो आज हम जो है इस गाड़ी को चलाने वाले हैं, ये है सैम्पू जी की गाड़ी, और इसको चला के देखेंगे कि कैसा फील आता है। क्योंकि मैंने इतनी पुरानी गाड़ी तो शायद मुझे लगता है मैंने कोई चलाई नहीं होगी, क्योंकि ये लगभग 11 साल पुरानी गाड़ी है और 1,37,000 किलोमीटर चल चुकी है। सो 1,37,000 इज अ वेरी बिग नंबर, और इतना ज़्यादा चलने के बाद गाड़ी अब कैसी चल रही है ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो चलिए इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं, या फिर बोलेंगे इसको ड्राइविंग एक्सपीरियंस स्टार्ट करते हैं। आ जाओ। तो भैया अभी हम बैठ चुके हैं अपनी i20 के अंदर, जो कि है 11 साल पुरानी, जैसे कि मैं बता ही चुका हूँ। पर यार अभी हो चुकी है रात, तो अभी हमने जो है वहाँ पे फ्लैश जलाया है और कैमरे से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो अभी थोड़ी सी फुटेज में थोड़ा सा गड़बड़ाहट आपको मिल सकती है, क्योंकि इस गाड़ी में कोई ऐसी लाइट यहाँ पे है नहीं। पीछे एक बहुत छोटी सी लाइट दी हुई है, सो वो भी हैलोजन है, और वो इतनी ही सी लाइट है, उससे कुछ होने वाला है नहीं। सो आई थिंक आप जो है मेरी बातों को और मेरे फीलिंग्स को समझोगे, क्योंकि गाड़ी तो मैंने लगभग आपको पुरानी वीडियोज़ में दिखाई दी है। तो अभी मैं पूरा जो है एक्सपीरियंस करने वाला हूँ, और ये अच्छी बात है कि नाइट में करें तो हम जो है लाइट्स भी टेस्ट कर लेंगे कि लाइट्स कैसी हैं इसकी। तो लाइट्स तो मुझे ठीक लग रही हैं, बाकी अभी हाईवे पे देखते हैं और हाईवे पे लेके चलते हैं। ये मैंने इसका हाई बीम किया था अभी, और चलो हाईवे पे चलते हैं एक बार और चलो स्टार्ट करें। तो अभी मैं वैसे डीजल गाड़ी चलाता हूँ, तो पेट्रोल गाड़ी चलाने की थोड़ा सा वो है कि फ़र्क तो उसका पता चल ही जाता है। तो भाई ये इसकी आवाज़ जब आप इसे एक्सेलरेट करते हो पहले गियर में, भाई साहब ये क्या सीट बेल्ट की अलार्म बजने लगा इसका। तो सीट बेल्ट लगा लेते हैं, और ये सीट बेल्ट का जो इसका जो बेल्ट है वो थोड़ी सी टाइट हो गई है, क्योंकि भाई कुछ ज़्यादा ही चल गई है ऐसा लग रहा है। सो ये सीट बेल्ट लग जाती है, सो ये अच्छी बात है कि अभी भी इसके ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो काम कर रहे हैं छोटे छोटे, कि जैसे सीट बेल्ट वाला ये सब चीज़ें, इसके नीचे सेंसर है, इसमें जो है साइड में पो पैसेंजर है उसके लिए भी ये सब चीज़ें दी हुई हैं। अभी यहाँ से हम जो है इसको ले लेते हैं हाईवे की तरफ, और थोड़ा सा आगे जाके अभी हाईवे आ जाएगा। सो ये अभी हमने गड्ढे में सस्पेंशन बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि सस्पेंशन इसके चेंज हुए हैं, लगभग हमने बाहर से चेंज करवाए हैं सैम्पू जी ने। सो लगभग 7,000 के करीब खर्चा इसमें आया था, बताया था सैम्पू जी ने। सो अभी मैं इस गाड़ी को चला रहा हूँ तीसरे गियर पर, और अभी मैंने चौथे पर। सो मुझे लगता है कोई इतनी कोई खास आवाज़ कर नहीं रही है, इंजन का आवाज़ कोई इतना कोई खास आ नहीं रही है, इतना चलने के बाद भी नहीं, तो इंजन बहुत ज़्यादा आवाज़ आता है। पहले गियर में हाँ बहुत आवाज़ आई थी, जब मैंने उठाया था तो एकदम ऐसे हवाई जहाज की तरह आवाज़ कर रही थी पहले गियर में तो ही, पर अभी जो है तीसरे चौथे गियर में कोई ऐसी आवाज़ इसमें नहीं है, कोई नॉइस नहीं है। बाकी यार देखो इसमें बाहर की आवाज़ तो टायर की आवाज़ ये सब चीज़ नॉइस तो सुनाई देंगी, क्योंकि यार इतनी पुरानी गाड़ी है, और उस टाइम पर मुझे लगता है इन गाड़ियों में कोई खास इतना नॉइस कैंसिलेशन पर ध्यान कोई देता भी नहीं था उस टाइम पर। सो ठीक है, अंदर मतलब ये कि थोड़ी बहुत आपको जो है टायर नॉइस वगैरह अच्छी खास सुनाई दे रही है, थोड़ी तो नहीं अच्छी खास सुनाई दे रही है। बाकी चलाने में इस गाड़ी को मजा आ रहा है, कोई ये नहीं कह सकता कि कोई दिक्कत है। हैंडलिंग भी प्रॉपर है, बहुत लाइट हैंडल है इसका, ये कोई वैसे नहीं है जैसे कि मैं देखता हूँ जो मेरी अपनी इको स्पोर्ट है उसका हैंडल थोड़ा सा इससे स्टिफ है। सो वो जब अब 30 स्पीड में आता तो मजा आता है उसको चलाने, पर ये बहुत ज़्यादा लाइट है। सो आई थिंक हाईवे पर थोड़ी सी दिक्कत इसमें रहती है लाइट्स में, पर बाकी जब आप सिटी में इस गाड़ी को चलाते हो तो यही लाइट हैंडल आपको ज़्यादा मजे दिलाता है। क्योंकि यार जब सिटी में चलाते हो और कट टू कट जो ट्रैफिक होता ना यार, उसमें बहुत आसानी से आप जो है निकाल सकते हो। इसके गियर्स थोड़े से अटक रहे हैं मेरे हिसाब से, सो इसके गियर थोड़े से वो है दिक्कत वाली बात है कि गियर अटक रहे हैं इसके, पर कोई बात नहीं, बाकी तो सही चल रही है ये गाड़ी। बॉडी रोल हैचबैक में होता नहीं है, पर इसमें मुझे ठीक ठाक दिख रहा है, पता नहीं क्यों, या तो मुझे इस हैंडल की वजह से कि हाँ मैं लाइट हैंडल चला रहा हूँ, पर इसका मतलब वैसे बॉडी पर एक ऐसा लगे हाँ हल्के से झूम रही है ये गाड़ी हल्का सा, क्योंकि हैचबैक में तो बॉडी रोल खत्म सा ही हो जाता है, क्या ही बॉडी रोल रहेगा उस टाइम पे। पर इसमें है हल्का सा है, ये नहीं कहूँगा कि हाँ इको स्पोर्ट जितना है, पर है हल्का सा। पर इको स्पोर्ट हाई स्पीड में बहुत स्टेबल चलती है, उसके स्टिफ सस्पेंशन है उस वजह से, इसके सस्पेंशन थोड़े से बोलेंगे सॉफ्ट पे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा उस चीज़ का बॉडी रोल हमें थोड़ा सा महसूस ज़्यादा भी हो रहा है। सो अभी हम हाईवे पे आ गए हैं, और अभी यहाँ से हम यू टर्न लेंगे हाईवे पे, और देन उसको फिर हमें 80 तक चला के देखेंगे कि 80-85 पे ये गाड़ी लगभग कैसी चलती है। तो अभी मैंने जो है अब इसको मैं देखो दूसरे गियर में उठाऊंगा, और फिर आप इसके साउंड देखना कि साउंड किस तरीके से ये करती है, अभी देखना। देखो हवाई जहाज जैसे साउंड, तो जब इसका आरपीएम मीटर जैसे ही 4-5 को क्रॉस करता है, उसके बाद ही इसमें जो है एक चार के बाद इसमें एक साउंड आती है हवाई जहाज जैसी। सो वो चीज़ें हैं, और ये मुझे लगता है वो ये छोटे गियर्स में है, मतलब दूसरे तीसरे गियर तक है, उसके बाद ये साउंड खत्म हो जाती है, कि उसके बाद आरपीएम मीटर इतने ऊपर तक हम जा ही नहीं जाएंगे, क्योंकि इतना स्पीड में चलाने को कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी अभी 80 पे आ चुकी है और चौथे गियर में ही है।
ठीक है, तो अभी पाँचवें में डाल दिया, पाँचवें में स्मूथ चल रही है गाड़ी का पिकअप, ठीक है, क्योंकि यार i20 का पिकअप पहले से ही ठीक आता है, इंजन मतलब बढ़िया आता है इसका। सो और पेट्रोल इंजन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बढ़िया लग रहा है, मतलब चलाने में मज़ा आ रहा है हाईवे पर। तो बहुत ही मतलब एक ऐसी है कि हाँ सिटी वाली गाड़ी है, हाईवे पर भी ठीक है मज़ा आ रहा है, पर सिटी वाली गाड़ी ज़्यादा लग रही है, सिटी में आपको बहुत मज़ा आएगा इस गाड़ी को चलाने में। और मैं कहूँगा जिस हिसाब से अगर कोई जैसे सेकंड हैंड गाड़ी ले रहा है, कोई इतनी पुरानी गाड़ी ले रहा है, i20 ले रहा है, उसके लिए मतलब सही है, अगर किसी को एक अच्छी कंडीशन में गाड़ी मिलती है तो वो ले सकता है, क्योंकि 137,000 चलाने के बाद भी ये गाड़ी सही परफॉर्म कर रही है। इंजन में मुझे कोई ऐसा नहीं लग रहा कि इंजन उसमें कहीं लैग कर रहा है, ठीक चल रहा है इंजन में। ये नहीं बोलूँगा कि यार हाईवे पर बिल्कुल रॉकेट मशीन है, कुछ ऐसा भी नहीं है, ठीक है, सिटी वगैरह में आपको मज़ा आएगा, हाईवे पर ठीक काम कर जाएगा, मतलब आप जो है छोटी मोटी ट्रिप मार सकते हो उसे 200-300 किलोमीटर वाली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको कहीं अंडर पावर नहीं लगेगी ये गाड़ी, मतलब मस्त मज़ा आएगा आपको। और स्टीयरिंग जैसे मैं बता ही चुका हूँ लाइट है, बाकी तो सही है इसमें, और ऐसा कुछ मुझे ज़्यादा कुछ चेंज लग नहीं रहा। हाँ ये कि भाई मैं इको स्पोर्ट चलाता हूँ तो थोड़ी ऊँचे पर बैठता हूँ तो इसमें थोड़ा नीचे लग रही है, वो तो यार अब नॉर्मल सी बात है, हैचबैक चलाओगे तो थोड़े से चेंजेस तो आने वाली हैं, बाकी मज़ा आ रहा है मुझे चलाने में। तो अभी चलो घर चलते हैं और वहाँ जाके वीडियो ख़त्म करते हैं। पर कुछ भी कहो, 137,000 किलोमीटर चलाने के बाद ये गाड़ी इतना मज़ा देगी, मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था, पूरा मज़ा आ रहा है इसे चलाने में, पूरा मक्खन चल लिया। सो गाइस अभी आ चुके हैं घर, और इस वीडियो में बस इतना ही था, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, तो जैसे हम बोलते हैं सो इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट। अभी के लिए नमस्ते, अलविदा, टाटा, और आप बाय बाय, और सब्सक्राइब करके जाना। बाकी आप नीचे कमेंट करके बता देना भैया और कौन सी गाड़ी है, जैसे कि इको स्पोर्ट्स के ऊपर कोई वीडियो बनानी है, इसके ऊपर और कोई आप चाहते हो तो वो भी हम बना देंगे। अभी के लिए बाय।